कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस किस में दिया गया है? सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि कंडक्टर्स तो हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कर ही चुके, इंसुलेटर पढ़ के क्या करोगे? पढ़ा भी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था डाइलेक्ट्रिक, उसमें चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं उसमें, और लास्ट क्या बचा? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग आपकी कोई भी किताब पहले केमिस्ट्री से करती है, इंट्रोडक्शन से, ये सोचते हुए कि शायद आपको केमिस्ट्री नहीं आती, कि भाई इस तरीके से कैटेगरीज ऑफ सॉलिड भी होते हैं, कि क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, और डेफिनेशन भी बताती है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की। उसके बाद आपको ये बताया जाता है, उसके बाद ये बताया जाता है कि लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, और कितने टाइप के लैटिस हैं। हमने इसमें से कुछ नहीं करना, हम सीधा आएंगे एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स पे, यहाँ से कहानी स्टार्ट है। तो कितने लोगों ने ये ग्राफ केमिस्ट्री में कहीं देखा हुआ है, कहीं भी देखा हुआ है? नहीं देखा, ओके चलो ठीक है। इसको ग्राफ में है क्या, इसको एक बार देखते हैं। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी। और ये क्या कर रहा है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब ध्यान से देखना, हम यहां पर किसको स्टडी करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सबसे फेमस कौन है? सिलिकॉन। और भी है, तो ये ग्राफ एनर्जी का लेवल किसी के लिए भी बना सकता हूं, पर मैंने बनाया सिलिकॉन, तो हम क्योंकि सिलिकॉन के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर आप लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ये सेमी जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये ग्राफ आगे क्या शो कर रहा है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप एक एटम लो सिलिकॉन का, एक एटम बस, उसके अंदर जो पी के दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल के, उसका एनर्जी का लेवल एस के दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, और फिर इसका कम होगा और सबसे कम इसका होगा, लेकिन न्यूक्लियस के पास है, ऐसा ही बनेगा। तो मैंने भी ग्राफ एनर्जी का शो कर दिया कि ये ग्राफ सबसे ऊपर, ये लाइन सबसे ऊपर कि एनर्जी लेवल दो इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा और फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। यहाँ पर थोड़ी कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक। फिर आगे क्या हो रहा है इसको बताता हूँ मैं। मैंने क्या किया, एक एटम की जगह अब दो एटम ले लिए सिलिकॉन के, और अभी मैंने उनको बहुत दूर रखा ताकि आपस में कोई इनकी इंटरेक्शन ना हो। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में जब पास लेके आते हैं सिलिकॉन, तो इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये बहुत दूर है, जब ये बहुत दूर है इनका कोई लेना देना नहीं आपस में, तो आप ये मान सकते हो कि ये इनका एनर्जी के लेवल्स होंगे, चाहे पहले एटम का चाहे दूसरे एटम का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन्हें पास लेके आने वाला हूँ, और पास और पास और पास, कितनी पास कि जितना सिलिकॉन का कोई भी स्ट्रक्चर होगा उनमें एक्चुअल जो दूरी होती है, एक्चुअल दूरी को क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो जो उनके बीच में एक्चुअल फिट करना है मुझे, और सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना है पूरा, तो सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो उनके बीच मान लो ए डिस्टेंस है, वहां पे लेके आना है, और फिर मुझे देखना है कि जब ये ए डिस्टेंस अपार्ट होंगे, जो कि इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है प्रॉपर, तो एनर्जी लेवल का क्या हुआ। तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इन दोनों एटम को पास लेके आ रहा हूँ, जब ये बहुत दूर है एनर्जी लेवल फिक्स है, जैसे ये मान लो सी डिस्टेंस अपार्ट हो गए, तो इनकी मान लो इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। मैं इतने पास ले आया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स लगते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो एनर्जी के लेवल चेंज हो जाते हैं। हम कहते हैं दो बॉडीज या दो एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला असर उनके एनर्जी के लेवल्स पे होता है। तो एनर्जी लेवल का क्या होता है, जब ये सी डिस्टेंस अपार्ट होते हैं और आप उन्हें और पास लेके आ रहे हो, तो ये एनर्जी लेवल पहले एक एनर्जी लेवल था, अब ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल एनर्जी लेवल में। ये देखो यहाँ पे कुछ भी एनर्जी लेवल हो सकता है, ये मल्टीपल है, ये पूरा का पूरा एनर्जी का बैंड बन जाता है। मतलब पहले एक एनर्जी लेवल होता है जब ये बहुत दूर है, लेकिन जब ये आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं तो सिंगल एनर्जी लेवल मल्टीपल एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले यही एनर्जी ऑक्यूपाई करते थे, अब एट अ डिस्टेंस ऑफ बी, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी के बीच में कहीं पर भी पाए जाएंगे। मुझे नहीं पता कहाँ पाए जाएंगे, पर हाँ पक्की बात है एनर्जी लेवल पी वालों का थोड़ा कम हो जाता है, ये थोड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो एनर्जी लेवल इनका गिर जाता है। तो जैसे जैसे पास लेके आते हैं मल्टीपल एनर्जी लेवल बन जाते हैं, सिंगल का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ पर चले गए, पर हाँ रहेंगे इनके बीच में कुछ भी। अब आप उन्हें कहाँ पर ले आए, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, ए का मतलब जो उनके क्रिस्टल में लैटिस स्पेसिंग है, तो ले आए। तो ये जो बड़ा एनर्जी लेवल था, पूरा बैंड बोलते हैं इसे, बैंड ऑफ एनर्जीज, ये दो हिस्सों में टूट गया,
एक ऊपर चला गया, मल्टीपल एनर्जी लेवल ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, नीचे के बैंड को बोला गया वैलेंस बैंड और ऊपर के बैंड को क्या बोला गया कंडक्शन बैंड, और बीच में जो स्पेस है इसको बोला गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ या चार इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, वो चारों के चारों एनर्जी गिरते 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 हुए यहां कहीं मिलेंगे आपको, यानी कि कौन से बैंड में मिलेंगे, वैलेंस बैंड में मिलेंगे। तो जब आप दो एटम को बहुत पास लेके आते हो और उनके बीच में जो उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है वहां पे रखते हो, तो आपका एनर्जी लेवल ये नहीं होता, आपका एनर्जी लेवल ये बनते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं होता, इनको तो छेड़ा नहीं जा सकता। बाहर के एनर्जी लेवल दो पार्ट्स में टूट गए, एक लोअर जिसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और एक अपर जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब कई लोग ये सोचते हैं कि वैलेंस कंडक्शन सिर्फ एनर्जी के बैंड को बोलते हैं। अब मैं इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ, दूसरा तरीका। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड है, आपके पास एक एटम है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो वैलेंस बैंड में है। आपने एनर्जी दी, आखिरी इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग गए, इतनी एनर्जी ली, एटम छोड़ के पूरे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अंदर ही है, उड़ नहीं गए हवा में, स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं, फ्री हो गए, ऐसा बोल सकते हैं, वो फ्री हो गए, इतनी एनर्जी दी आपने एटम से उनको फ्री करवा दिया, एंड दे आर फ्री टू मूव। इफ दे आर फ्री टू मूव तो उनका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा है फ्री, वो अंदर बैठे एटम के एनर्जी लेवल से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो फ्री करने के लिए आपको उसको न्यूक्लियस से छुड़ाना पड़ेगा, वो जो न्यूक्लियस से छुड़ाने की एनर्जी है उसको बोलते हैं ये फॉरबिडन एनर्जी। क्या अगर आपने ये एनर्जी दी तो वो फ्री हो जाएगा, और अगर फ्री हो जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि वो कौन से बैंड में आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। और अगर वो नहीं तोड़ पाए आप उसको, या इतनी एनर्जी नहीं दे पाए, फिर वो अंदर ही बैठा रहेगा एटम के, और कौन से बैंड में होगा, वैलेंस बैंड में होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, और तीसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये क्लास क्लास नहीं है, ये एटम है, एक एटम है सिलिकॉन का, मैं न्यूक्लियस हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरा नाम न्यूक्लियस है, और इसके बाद क्या है, ये बेंच नहीं है, ये बेंच एनर्जी के लेवल्स हैं। क्लास की फीलिंग स्टार्ट हुई, स्टूडेंट ने आना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने आना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ बैठाया गया इनर शेल में, इनर शेल, इनर शेल। फिर भर्ती की क्लास आउटर शेल, वो जो एंड में बैठे हैं वो कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एटम तैयार हो गया, तो ये जो एंड के देखो आपके एनर्जी लेवल को कुछ नहीं होने वाला, आप तो न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में हो, आपको तो मैं जाने दूंगा नहीं। कौन जाएगा सबसे पहले, उनका डर है वो ना भाग जाए, जो एंड में बैठे हैं न्यूक्लियस से, आउटर शेल थ्री नंबर। तो वो जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनका एनर्जी लेवल आप सबसे ज्यादा है, पर बैठे अंदर ही है क्लास के, एटम के अंदर बैठे हैं, एटम के अंदर बैठे हैं, तो यानी कि वो कौन से बैंड में है, ये क्लासरूम कौन से बैंड में है, वैलेंस बैंड में है। तो वो सब थ्री की बात कर रहा हूँ, एन इज इक्वल टू थ्री, आपकी नहीं, आप तो अंदर ही बैठो, जो आखिरी थ्री के चार इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में बैठे हैं। ठीक हो गया? अब हर कोई क्या चाहता है, मैं क्लास से फ्री हो जाऊं, भागूं, एटम छोड़ूं, क्लास भागूं और मैं मजे करूं मार्केट में। तो मार्केट नीचे है, मार्केट में फ्री घूमना यानी कि कौन सा बैंड होना, कंडक्शन बैंड होना, हर कोई चाहता है मैं कंडक्शन बैंड में चला जाऊं। अब सामने क्या है, सामने कॉरिडोर दिख रहा है आपको, उसके बाद अगर आप निकल गए फिर मैं नहीं आपको पकड़ पाऊंगा। वो जो कॉरिडोर है वहां उसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि कॉरिडोर कुछ नहीं है, वो भी एनर्जी के लेवल्स हैं, आपके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेनी पड़ेगी कहीं से ताकि उस गैप को क्रॉस कर दें। एक बार क्रॉस हो गए, एटम छोड़ गए, क्लास छोड़ गए, तो फ्री टू जहां मर्जी जाए। तो यानी कि जब वो फ्री है, आपकी तरह क्लास में बैठे नहीं है, एटम में बैठे नहीं है, तो वो कंडक्शन बैंड में है। और जब तक आप क्लास में बैठे हो मेरे साथ, तो कौन से बैंड में हो, वैलेंस बैंड में हो। ठीक है? अब इमेजिन करो, ये एक क्लास है, ये एक एटम है, यहाँ पूरी लाइन में कितनी क्लासेस चल रही हैं इकट्ठी, सारे टीचर न्यूक्लियस है और सारों की क्लास एटम है, सबकी क्लास का नाम है सिलिकॉन एटम है। अब होगा क्या कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम देखेंगे अभी, सबसे पहले कौन भागेगा, वो एंड वाले भाग जाएंगे एनर्जी लेके। सारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एंड वाले, वो सब आपको नीचे दिखेंगे, तो वो कौन से बैंड में आ जाएंगे, कंडक्शन। और जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, वो वापस अपने अपने क्लास में चले जाएंगे और वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए एनर्जी गैप्स, एनर्जी को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वैलेंस बैंड का मतलब एटम के अंदर रहना, कंडक्शन का मतलब फ्री टू मूव। तो क्लियर है यहां तक? और फॉरबिडन गैप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मतलब या तो वो इस क्लास को छोड़ जाएगा या वो क्लास में बैठा रहेगा। ये नहीं हो सकता कि वो स्टूडेंट बीच में कॉरिडोर में खड़ गया, क्यों, क्योंकि एटम को तोड़, एटम से छुड़ाने के लिए कम से कम मिनिमम एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी ताकि वो बाहर आए। वो मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी,
अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके आपने डिटेल में पढ़ना नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं पढ़ना। इसको लेके डिफरेंशिएट किया गया है, किसे डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस कंडक्शन एंड फॉरबिडन बैंड। तो मैंने क्या बताया, वैलेंस बैंड में देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आप एटम में यहाँ आराम से बैठे हो, आप मूव थोड़ा कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन जो एटम छोड़ गया वो फ्री टू मूव है। हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दे आर फ्री टू मूव, वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना पड़ता है, कंडक्शन बैंड फ्री करना पड़ता है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड में या तो ये बैंड बिल्कुल खाली होता है या बिल्कुल ही पार्शली थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, दे आर फ्री टू कहते चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो वो कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वैलेंस बैंड के नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जाने में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो मिनिमम गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको कभी भी, ठीक है यहां तक। इसके बाद डिस्टिंक्शन है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत सिंपल है ये, आप इमेजिन करें कि जैसे अगर मान लो कंडक्टर्स हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर ये गैप या तो होता ही नहीं, गैप ना होना, कॉरिडोर ना होना। अच्छा चलो मैं अपनी क्लास को नीचे पार्किंग में ले जाता हूँ, तुम भी फ्री हम भी फ्री, क्लास में बैठे हो तो वैलेंस बैंड में बोल देना, खड़े हो गए तो फ्री हो गए, मतलब कितना आराम है घूमना। तो यानी कि उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं चाहिए, हल्की सी एनर्जी से भी वो फ्री हो जाते हैं, फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ही नहीं, इतने गुड कंडक्टर्स हैं। और या फिर गैप बहुत छोटा होता है, हल्की सी एनर्जी लेते ही वो फ्री हो जाते हैं, तो ये कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर में ये गैप बहुत 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 बड़ा होता है, जोर लगा लोगे इंसुलेटर के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, वो घूमता ही नहीं है नीचे मार्केट में, वो कहता है मेरा कंडक्शन में जाना ही नहीं है, मैं बैठा हूँ आराम से, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, ये ठीक ठीक एवरेज होता है, जीरो केल्विन पे, देखो टेम्परेचर मैटर करता है सेमीकंडक्टर में, जीरो केल्विन पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको वैलेंस बैंड में दिखेंगे आराम से, यहाँ बैठे दिखेंगे। तो सेमीकंडक्टर कैसे एक्ट करेगा, इंसुलेटर, जरा सा टेम्परेचर जीरो केल्विन से पड़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए फ्री एनर्जी लेके और सीधा बाहर, तो कंडक्शन बैंड में आ गए। तो इसका मतलब, और जरा ही टेम्परेचर डाउन हुआ जीरो केल्विन, वापस घूमते हुए वैलेंस बैंड में आ गए, तो कभी क्या बन गए, इंसुलेटर, कभी क्या बन गए, कंडक्टर। तो ये है सेमी कंडक्टर्स। और लास्ट, जब मैंने ये क्लास की बात की और ये एटम है और मैं न्यूक्लियस हूँ, तो मैंने फिलिंग स्टार्ट की, तो जो आखिरी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई हुआ वो आखिरी बेंच है, बेंच तो उसके बाहर भी हो सकता था, जहाँ स्टूडेंट बैठा है, खाली बेंच नहीं, खाली बेंच भी हो सकता था, जहाँ स्टूडेंट ने फिल कर दिया उस बेंच को, उस एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल बोलते हैं। फर्मी लेवल होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो किसी भी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। अब सोचो क्लास में 15 बच्चे ही हैं, यहाँ तक फिलिंग हो गई बस, तो ये क्या बनेगा एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल। अभी क्या फर्मी लेवल क्लास का, वो आखिरी बेंच हमारा फर्मी लेवल है। तो इसमें फर्मी लेवल यहाँ लिखा भी हुआ है, ये रहा फर्मी लेवल, ये रहा, एट जीरो केल्विन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल which an electron can occupy in valence band is known as Fermi level.